हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और हमेशा की तरह अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही कलरफुल और बहुत ही ब्राइट प्लांट है ये। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को इंग्लिश में लोरोपेटलम कहते हैं, और बहुत सारी जगहों पर इस प्लांट को लालसा और बहुत सारी जगहों पर इस प्लांट को लाल बादशाह भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट बहुत ही कलरफुल, बहुत ही ब्राइट और बहुत ही खूबसूरत होता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड, मैं इस प्लांट के कलर को पूरी तरह से बता नहीं सकती फ्रेंड्स, ना ये रेड में है और ना ये मरून कलर में है। इस प्लांट का एक अलग ही कलर है, और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे लोग इस प्लांट को हैज प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि ये हैज के लिए यूज़ किया जाता है, और बाउंड्री प्लांट भी कहते हैं। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे पार्कों में इस प्लांट से बाउंड्री बनाई जाती है, जहाँ बहुत सारी ग्रीन ग्रीन प्लांट होते हैं, तो उस जगह पे इस प्लांट की बाउंड्री बनाई जाती है, ताकि इससे पार्क की खूबसूरती अलग ही दिखे। तो जो बहुत सारे ग्रीन प्लांट के बीच में ये इस तरह से एक बाउंड्री बना दी जाती है, ताकि इस प्लांट की खूबसूरती ग्रीन और रेड की वजह से इसका एक खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन आए, और गार्डन की खूबसूरती बहुत ही खूबसूरत लगे। तो फ्रेंड, ये एक हैच प्लांट भी है और एक बाउंड्री प्लांट भी है। तो फ्रेंड, सबसे पहले अगर हम कोई भी प्लांट नर्सरी से लाते हैं, या फिर कोई भी प्लांट हम घर में लगाते हैं, या फिर कोई भी प्लांट की हम कटिंग लगाते हैं, तो फ्रेंड, हर प्लांट की अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो सोल की हो, चाहे वो लोकेशन की हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र की हो। तो फ्रेंड, अगर प्लांट के, फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से अगर आप 5 बातें नोट कर लेते हैं, तो आपको प्लांट लगाने में या उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, और आप लोग के लिए मैं जो इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, कोई भी प्लांट की सबसे पहले जो आती है वो पॉटिंग मिक्स आती है, यानी आप इसकी मिट्टी किस तरह से बना रहे हैं, आप इसका पॉट किस तरह तैयार कर रहे हैं। और दूसरी जो आती है फ्रेंड्स, वो होती है कोई भी प्लांट की लोकेशन, यानी आप उसे कहाँ रख रहे हैं, इंडोर रख रहे हैं कि आउटडोर रख रहे हैं। उसके बाद फिर आती है वाटर रिक्वायरमेंट की बात, यानी उसे आप कितना पानी दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं कि कम दे रहे हैं। और फिर उसकी आती है प्रोपेगेट की बात, यानी आप उसकी प्रोपेगेशन कैसे कर रहे हैं, कटिंग से कर रहे हैं कि सीडलिंग से कर रहे हैं। और उसके बाद फिर सबसे लास्ट आती है फर्टिलाइजिंग की बात, यानी आप उसे फर्टिलाइज़ कर रहे हैं तो आप उसे लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं क्या, सूखी खाद दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से मैं इसी प्लांट्स के बारे में काफ़ी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसकी पॉटिंग मिक्स की बात कर लेती हूँ। तो इस प्लांट को फ्रेंड आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल सिंपल मिट्टी में लगा के रखा है, यानी मैंने एक हिस्सा मैंने नॉर्मल सॉइल लिया, नॉर्मल मिट्टी, और एक हिस्सा मैंने इसमें सैंड यानी बालू बालू मिलाई है, और मैंने इसकी पॉटिंग मिक्स तैयार की है। मैंने इसमें फ्रेंड कोई भी खाद वगैरह नहीं डाली है, क्योंकि मेरे जितने भी प्लांट हैं फ्रेंड, आप देख सकते हैं कितने हेल्दी हैं। और मैंने, आप यकीन जानिए, मैंने आज तक अपने किसी भी प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइज़र जो भी दिया है या खाद दी है, सब मैंने ऑर्गेनिक दी है। मैंने कभी भी किसी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने प्लांट पर नहीं किया। तो सबसे पहले फ्रेंड, वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, तो इसलिए मैं सबसे पहले ये बता देना चाहती हूँ कि इस प्लांट की जो पॉटिंग मिक्स बनाइए वो वेल ड्रेन बनाइए, ताकि इससे पानी अच्छे से पॉट से रिलीज़ हो जाए। वैसे भी फ्रेंड्स, हर प्लांट की जो सॉइल बनाई जाती है वो वेल ड्रेन ही बनाई जाती है। और फ्रेंड, इस प्लांट को वैसे पानी की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इसकी जो छोटी छोटी जड़ें होती हैं उन्हें पानी की बहुत ज़रूरत होती है। और अगर आप इस प्लांट को लगाते हैं, या जिसके जिन घरों में ये प्लांट हैं फ्रेंड, उनको ये पता होगा कि अगर आपने इन्हें एक दिन पानी नहीं दिया तो ये बिल्कुल बता देते हैं, खुद ही बता देते हैं कि हमें आज पानी की कमी है, और ये अपनी पत्तियों को इस तरह से लटका लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पॉटिंग मिक्स की बात हो गई। तो फ्रेंड, सबसे दूसरी बात जो है लोकेशन की, तो फ्रेंड ये सन लविंग प्लांट है, यानी इसे फुल धूप चाहिए। अगर आप इसे फुल धूप में रखते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत, इसकी पत्तियों की ब्राइटनेस हो जाती है और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट हो जाता है।
और अगर आप इसे शेडी प्लेस में रखेंगे तो फ्रेंड ये ग्रोथ तो करेगा लेकिन उतनी अच्छी नहीं करेगा, और साथ में फ्रेंड्स इसकी पत्तियां जो हैं इस तरह से खूबसूरत नहीं होंगी, इस तरह से रेड नहीं होंगी, इस तरह से मरून कलर की नहीं होंगी, वो थोड़ी सी ग्रीनी ग्रीन होनी हो जाएंगी। ये देखिए फ्रेंड ये प्लांट कितना बुशी है, इसीलिए देखिए जहाँ तक धूप नहीं पहुँच पाती। ये देखिए उसकी जो स्टम है वो भी फ्रेंड ग्रीन हो चुके हैं और जो पत्तियां हैं वो भी देखिए ये ग्रीन हो जाती हैं। तो इसलिए इसे फुल सनलाइट में रखिए। अगर गर्मियों का दिन है फ्रेंड्स तो आप इसे 2-4 घंटे की फुल सनलाइट दीजिए, अगर सर्दियों का टाइम है तो पूरा दिन इसे आप खुली जगह पर रखिए तो कोई परेशानी नहीं, और रेनी सीज़न का टाइम है तो फ्रेंड्स इसके लिए तो बहुत अच्छा होता है, ये इसका ग्रोइंग पीरियड होता है, रेनी सीज़न में काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। तो फ्रेंड्स हो गई इसकी लोकेशन की बात, हम जल्दी से इसकी लोकेशन के बाद इसकी वाटरिंग के बाद कर लेते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड मैंने बताया कि इस प्लांट को पानी की बहुत ज़रूरत होती है, आप इसे गर्मियों के दिन में 2-3 बार भी पानी देंगे तब भी इसके लिए कम पड़ जाता है, और सर्दियों में इसे आप दिन भर में 1 बार ज़रूर पानी दीजिए, और रेनी सीज़न है तो फ्रेंड्स ये आउटडोर प्लांट्स हैं तो ज़रूर बारिश होगी, तो उसकी पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो बारिश के पानी से ही पूरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब मैंने पॉटिंग मिक्स की बात कर ली, लोकेशन की बात कर ली, और मैंने इसकी वाटरिंग की बात कर ली, अब मैं इसकी प्रोपेगेशन की बात कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स या फिर आप इस प्लांट को नर्सरी से लीजिए या कहीं से भी ले आइए, अगर फ्रेंड्स 1-2 जड़ भी इस प्लांट के अंदर होगी तो ये प्लांट लग जाता है, और अगर इसकी प्रोपेगेशन कटिंग से भी होती है तो फ्रेंड जब भी आप इसकी कटिंग लीजिए, तो ये देखिए मैंने अभी इसको काटा है, आप देख सकते हैं इसकी मैंने कटिंग की है, देखिए हर तरफ से मैंने इसकी कटिंग कर दी है, क्योंकि ये प्लांट ऐसा है फ्रेंड अगर आप इसे एक बार अपने घर में लगा लेते हैं तो अगर आपके पास ज़मीन है फ्रेंड, अगर आप ज़मीन में लगाएंगे तो ये कुछ ही दिनों के बाद पूरी ज़मीन जितनी भी फ्री ज़मीन है या खाली ज़मीनों को ये भर लेता है, बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है। ये गमले में देखिए मैंने इसे 10 इंच के पॉट में लगा के रखा है, वो भी प्लास्टिक की एक बाल्टी है फ्रेंड, और ये देखिए कितना बड़ा हो गया है। तो मैंने इसकी कटिंग अब की, मैं बराबर टाइम टू टाइम इसकी कटिंग करते रहती हूँ, तो जब भी आप इसकी कटिंग कीजिए तो इसकी नोड एरिया की जो ये इस तरह से कटिंग लीजिए, बस 5-6 इंच की कटिंग लेकर आप इसे ये टिप वाली कटिंग लीजिए, और इसकी नोड एरिया चेक करके ये देखिए ये नोड एरिया यहीं से इसकी जो रूट्स होती है वो निकलती है, तो बस इस तरह की थोड़ी सी ठीक हुई है, तो अभी मेरी शुरुआत की जल्दी जल्दी निकली क्योंकि मैंने इसकी कटिंग की हुई थी। तो आप इसे मिट्टी में दबा दीजिए, बस यही आपको करना है, उसके बाद ये नया प्लांट बन जाएगा। ये देखिए मैंने एक इसकी बहुत सारी कटिंग थी तो मैंने कटिंग की, तो मुझे प्लांट फेंकने में बहुत दर्द होता है फ्रेंड, बहुत तकलीफ़ होती है कि मैं प्लांट फेंकूँ ना, तो मैंने इसकी कटिंग की थी, तो जहाँ तक मुझे जो ज़्यादा अच्छी कटिंग बेहतर लगी तो मैंने इसे देखिए ये प्लास्टिक के डिब्बे में ग्रो करके रखा है। कुछ दिन ये कटिंग फ्रेंड थोड़ी सी मुरझाई से रहती है, उसके बाद देखिए आराम से चल जाती है। देखिए मैंने इसकी कटिंग, मैंने आपको दिखाने के लिए ये पॉट लाई हूँ, ये देखिए बिल्कुल फ्लावर पॉट की तरह लुक दे रहा है, और मैं जब ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो मैं किसी से अच्छे से पॉट में से शिफ्ट कर दूंगी। तो फ्रेंड लोकेशन की बात होगी, पॉटिंग मिक्स की बात होगी, वॉटरिंग की बात हो गई, प्रोपेगेशन की बात होगी, अब फ्रेंड सबसे आखिर और लास्ट होता है प्लांट का जो भी होता है वो होता है फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड मैं इसे 15 दिन वाला यानी 15 डेज़ वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। फ्रेंड जो मैंने फर्टिलाइज़र बनाया है वो बहुत ही प्लांट के लिए हेल्दी है, मैं उस पर वीडियो ज़रूर डालूंगी, तो जब भी मैं इस पर वीडियो डालूंगी तो आप लोगों से शेयर करूंगी, आप लोग को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इससे। तो फ्रेंड मैं इसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देती हूँ, और मैंने इसमें आज तक गोबर की खाद या कोई भी वर्मिंग कंपोस्ट कुछ भी नहीं दिया है, जो कि मैं वर्मिंग कंपोस्ट बना रही हूँ और मैंने पिछले साल बनाया भी था, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं देती हूँ कि फ्रेंड इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, बस 15 डेज़ पर मैं इसे 15 दिनों वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देती हूँ, यही इसके लिए काफ़ी होता है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर फ्रेंड्स एक बात और, अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो में कोई बात नहीं समझ में आती तो प्लीज़ बेझिझक होकर मुझे कमेंट्स कीजिएगा और मैं उस कमेंट्स का जवाब दूंगी। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट्स करिए। तो फ्रेंड्स फिर किसी नए वीडियो पर, फिर किसी नए टॉपिक पर, फिर किसी नए प्लांट के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, मैं भी अपना ख्याल रखूँगी, और इस खूबसूरत से प्लांट के साथ बाय बाय।